हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का सोशियोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 51 नंबर, अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में समूहों का वर्गीकरण किसने किया है? तो आप जानते हैं इसका उत्तर होगा ए नंबर समनर। 52 नंबर, सर्वप्रथम किसने प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप शब्द का प्रयोग किया है? तो आप जानते हैं इसका उत्तर होगा ए नंबर CH कुले। 53 नंबर, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? तो आप जानते हैं इसका उत्तर होगा बी कानून। 54 नंबर, भारतीय ग्रामीण समुदाय में परिवार का कौन सा प्रकार प्रचलित है? आप जानते हैं इसका आंसर होगा बी नंबर संयुक्त परिवार। 55 नंबर, इच्छित तथा मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा बी प्रगति। 56 नंबर, निम्न में से कौन आर्थिक संस्था है? आप जानते हैं इसका उत्तर होगा डी बाजार। 57 नंबर, निम्न में से कौन समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? नहीं है, तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका डी बाजार। 58 नंबर, वैज्ञानिक समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए किन प्रविधियों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सर्वेक्षण, अवलोकन, साक्षात्कार, ऑप्शन के मुताबिक इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 59 नंबर, ए आर देसाई किस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे? तो इसका उत्तर होगा सी नंबर मार्क्सवादी। 60 नंबर, किस भारतीय समाजशास्त्री ने भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों एवं परंपराओं के अध्ययन पर बल दिया? इसका उत्तर होगा सी DP मुखर्जी। 61 नंबर, श्रीनिवास द्वारा किस गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया गया था? तो 61 का जवाब होगा आपका बी रामपुरा। 62 नंबर, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर होगा बी मार्क्स। 63, भारतीय गांवों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है? तो इसका उत्तर होगा बी जाति। 64 नंबर, निम्न में से कौन एक संस्था है? तो इसका उत्तर आप जानते हैं सी नंबर परिवार। 65 नंबर, निम्न में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता है? तो इसका ऑप्शन बड़ा आकार, समान संपत्ति, समान निवास। ऑप्शन के मुताबिक इसका उत्तर डी होगा, इनमें से सभी। 66 नंबर, निम्न में से कौन एक सामाजिक समस्या है? तो बी नंबर भिक्षावृत्ति। 67 नंबर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस वर्ष ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ? इसका उत्तर होगा बी नंबर 1858। 68 नंबर, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? तो ग्रामीण और नगर का जो आधार है उसको अलग करने का, तो यहाँ पर इसका व्यवसाय की प्रकृति। 69 नंबर, निम्न में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है? तो आप जानते हैं स्त्रियों की उच्च परिस्थिति, व्यक्तिवादिता, उच्च जनसंख्या घनत्व। तो ऑप्शन के मुताबिक इनमें से सभी, डी नंबर इसका उत्तर होगा। 70 नंबर, मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी है? आंसर होगा आप जानते हैं ए नंबर पर्यावरण आंदोलन। 71 नंबर, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने कृषक समाज की अवधारणा को परिभाषित किया? आप जानते होंगे इसका उत्तर होता है बी आंद्रे बेते। 72 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आप जानते हैं इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन के मुताबिक सी। 73 नंबर, निम्न में से किसने ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा दी? 73 नंबर ऑप्शन होगा के मुताबिक उत्तर होगा रेडफील्ड। 54 नंबर, कॉम्ट किस देश के से संबंधित है? आप जानते हैं इसका उत्तर होगा ए फ्रांस। 75 नंबर, समाजशास्त्र का जन्म किस क्रांति का प्रतिफल है? तो ऑप्शन के मुताबिक इसका उत्तर होगा ए। अब और आगे दूसरे वीडियो में हम लोग देखते हैं।